तो आज के दिन हम जा रहे हैं बुधनी टेस्ट सेंटर, और कल के दिन में एक ये बड़ा सा हादसा हमारे हाथ हो गया था। मतलब एक भैया आया ट्राली लेके और उसने ये ठोक के निकल गया और ये गाड़ी को भी ये पूरा नवा गया। तो आज हम बुधनी टेस्ट सेंटर जा रहे हैं, उसके लिए यहाँ से हमें जाना होगा करीब 140 किलोमीटर, और वहाँ पर मशीनरी का पूरा टेस्टिंग होती है, जैसे ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, प्लॉ, सब चीज़ों को टेस्टिंग की जाती है। ट्रैक्टरों का पास करने के लिए वहीं पे जाते हैं। पूरे इंडिया में जितने भी ट्रैक्टर बनते हैं, पहले एक पीस बुधनी टेस्ट सेंटर पे आता है, वहाँ से सर्टिफाइड होने के बाद वो इंडिया में रिलीज होने के लिए तैयार होता है। तो वहाँ पे पूरे टेस्टिंग और मशीनरी का सब कुछ होता है। तो चलिए वहाँ देखेंगे अपन कि क्या क्या चीज़ें वहाँ अपने को देखने को मिलेगी। साथ में हमारे हैं भैया चंदन जी, जो सुपर स्पीड से जा रहे हैं, और इनके गाल एक साइड का पूरा निकलवाना है। डॉक्टर से बात हो गई है, उनने बोल दिया है कि आप बोलो तो गला ही निकाल दें आधे हिस्से में से। नहीं, गला मत निकालना, दांत हेड़ के रख देना, कई गाल हेड़ के रख देना। गाल पे काई होगा तो कई कन पप्पी ले ली थी, वो असर आए हो ये जी। देखो जी कहाँ से मैं देख रहे। तो ये है कृषि केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बुधनी, यहाँ पे होगी ट्रेनिंग। तो निकाल लेते हैं ब्रेक, और चंदन भाई हो गए आड़े। लो उठ जा भैया। ओ चंदन, ओ उठ। ये तो जिंदा लाश बन चुका है। चलो अंदर पहुंच के बताता हूँ। अंदर से कुछ इस प्रकार है, बहुत बेहतरीन बना हुआ है प्रशिक्षण भवन। इधर बन बाटी का मतलब जंगल मंगल, और सामने है इम्प्लीमेंट अपने ट्रैक्टर वैक्टर। हाँ, कोविड की गाइडलाइन भी दी गई है। ये प्लॉ पड़े, प्लॉ बहुत सारे, इनको सबको दिखाएंगे। ये क्लास का हार्वेस्टर मेरे को देखना भी था, जिसमें टेंजेंशियल एक्सल फ्लो आता है, इसकी डिटेल भी बताऊंगा आपको। ये बहुत सारे सामान एकदम भर भर के पड़े हैं, तो वीडियो में लगे रहें, आपको ज़रूर मिलेगी इनकी पूरी डिटेल। बढ़िया डिज़ाइन बने। तो भैया रूम कंफर्म नहीं हो रहा, ढूंढना पड़ रहा। इधर क्या क्या है, बहुत सारा मसाला है रे भैया। हैप्पी सीडर, न्यूमेटिक प्लांटर, ड्रम सीडर, और पता नहीं क्या क्या सीडर हमें। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लगे रहें, जुड़े रहें हमसे। हम आपको पूरी डिटेल देंगे कि हमारे को सिखाया क्या क्या जाएगा। ये लिंकन का प्लाउ सबसे महंगा आता है, सबसे महंगा प्लॉ अपने पूरे इंडिया में यही वाला मिलता है। ये यहाँ रखा हुआ, ये अपने देसी प्लाउ की स्टाइल, ये अपने सिंगल फ्रेम के प्लाउ। अरे बाप रे, बहुत सारे रखे रे, सब प्रकार के हैं, एक ही बार में सब सिखा देंगे वो। ये रोटावेटर उनके टाइप, ये लिंकन का हैरो है, पावर हैरो। ये कल्टीवेटर है लिंकन का, ये भी अनसर्ट महंगा ही होगा। चलो अभी मैं रूम में पहुंचता हूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ। तब तक आप मेरे से कनेक्टेड रहिएगा। तो इधर दूसरी दूसरी चीज़ें हैं, मतलब ये बहुत बड़ा है, एक दिन में कवर नहीं होगा। तो जितना जितना आते जा रहा हूँ उतना बताते जा रहा हूँ मैं। इधर से इधर बाहर आया, इधर ये ट्रॉली वगैरह जो है और कलर पेंटिंग का काम इधर है। ये डबल ट्रॉली, सिंगल ट्रॉली, बगर
उसके ट्रॉली, डबल चक्के वाली ट्रॉली, सब कुछ इधर है। ये सेक्शन भी है, ये पुराना HMT में HMT भी बैठे हुए खड़े हुए। तो अभी पहले रूम में जाने के बाद इधर आना है, आऊँगा घूम फिर के, फिर तुमको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा, पुलिस सेवा वाला आइटम भी पुराने मॉडल। रूम की मगजमारी चल रही है। आपको क्या बोला है? इधर नहीं आना है। मैनेज कर लेंगे आप बैठ। आप सभी लोगों के इस फॉर्म के साथ आधार कार्ड और फोटो लगेगी, ठीक है? दो। तो ये है यहाँ की क्लासरूम, बहुत इंटरेस्टिंग सी। सभी इंजन रखे हैं यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ। अरे भैया हट जा रहा है। गेयरबॉक्स, ट्रांसमिशन सिस्टम। ये इधर एक फोटो फुल डिटेल के साथ यहाँ पे बताया जाता है। तो आपने अभी तक बड़े बड़े म्यूज़ियम देखे होंगे, लेकिन ट्रैक्टर का म्यूज़ियम नहीं देखा होगा। ट्रैक्टर म्यूज़ियम का मतलब समझ रहे हो, ट्रैक्टर का संग्रहालय। इसीलिए इसमें देखते हैं कितने नए, कितने पुराने और कितने धमाकेदार ट्रैक्टर के इंजन्स रखे हुए हैं। तो ये इधर है बेलारूस, बेलारूस का ये है। ये क्या इंग्लैंड का है? ये देखो, ये हाँ लिखा हुआ है। हैरी फर्गुसन TEA-20 ट्रैक्टर है। मतलब आज भी सब सिस्टम चालू है क्या? अब ये है USA मतलब जॉन डियर भाई। ये देखो, ये जॉन डियर है, बहुत पुराना है। और बाप रे बाप, बहुत पुराना है। और इसमें सिस्टम क्या दिया हुआ है? क्या स्टीम से चलने वाला है क्या? इसमें कुछ भी कहीं से नहीं था, कैसे समझ नहीं आ रहा कि इंजन कहाँ पर। ये चाहिए इंजन, ये फ्लैट वाला लगा हुआ, जो बड़ा बहुत बड़ा ट्रैक्टर, फ्रेम में ही नहीं आ रहा। इसके आगे तो